चलिए, गुड इवनिंग। चलिए, निक्की कुमारी, गुड इवनिंग। चलिए, अब दो आदमी दिख रहे हैं। तो आइए, आज मेंसुरेशन का सबसे अंतिम दिन है, लास्ट डे है, और आज मात्र 5 ही क्वेश्चन पढ़ाई होगा, 5 क्वेश्चन के बाद छुट्टी। लेकिन 5 ही क्वेश्चन में थोड़ा टाइम आज लगेगा, इसीलिए 5 ही क्वेश्चन लाए हैं। आज समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कल से चलेगा टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। यह बाकी रह गया है, छूट गया है। तो समय और दूरी, ट्रेन वाला क्वेश्चन, नौ धारा, ये इसके बाद चलेगा। पहले पढ़ा देते हैं, फिर इसके बाद ज्योमेट्री चलेगा। थोड़ा कमेंट देख लेते हैं। चलिए, अंशु सिंह व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है, देखते हैं, लास्ट में आपका देखेंगे। कंपटीशन, दर्शन, मुकेश, नितेश, अमरेश कुमार, सब लोगों को गुड इवनिंग। आइए तो शुरू करते हैं, आंसर बताइए। बोले आज 5 क्वेश्चन है, लेकिन 5 ही क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा हुआ है मोटाई डी, आंतरिक त्रिज्या आर, इनर रेडियस आर है, वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो आइए पहले फिगर देख लिया जाए, क्वेश्चन के कहने का क्या मतलब है पहले यह देख लिया जाए, उसके बाद फिर आगे। तो पहले एक अर्ध गोला बनाते हैं, कटोरा एक निकालते हैं, यह हो गया आपको एक कटोरा। एक और अभी सर्किल बनाना पड़ेगा, चलिए। तो इस तरह का है, चलिए, तो ऐसा एक कटोरा है। बोला गया है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले इसका देख लीजिए, इसका अंदर अंदर रेडियस दिया गया स्मॉल आर, यह रेडियस जो दिया गया है वह दिया गया स्मॉल आर, और इसका मोटाई आपको दिया गया है कितना। तो देखिए, मोटाई दिया गया है डी। तो अब आइए, रेडियस बाहर बाहर, एक रेडियस हम पूरा बना रहे हैं। अभी यहाँ से यहाँ तक यदि रेडियस लीजिएगा, तो यह रेडियस कितना हो जाएगा, तो यह रेडियस हो जाएगा आर प्लस डी। ये हो गया अंदर वाला रेडियस, और यह हो गया कौन वाला रेडियस, बाहर वाला रेडियस। अब देखिए, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले यह समझिए कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का पहले ही बताइए, एक कटोरा अंदर में खाली है कि भरा हुआ है, खाली है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब यह हुआ कि कटोरा को कलर में डुबोइए, जितना दूर कलर लग सकता है वो सबका एरिया आपको निकालना पड़ेगा। एक कटोरा को कहाँ डुबाइए, कलर में। तो एक कटोरा में जहाँ जहाँ कलर लग सकता है वो सारा एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा। तो आइए देखिए, विचार देखते हैं कहाँ कहाँ कलर लग सकता है। तो पहले तो कलर बाहर चारों तरफ लगेगा, चारों तरफ,
उसके बाद इसके अंदर में भी तो चारों तरफ कलर लगेगा क्या? कटोरा खाली है ना है, और कहाँ पर इसका कलर लग सकता है? तो और कलर लग सकता है देखिए यहाँ पर, ये सब जगह में भी तो कलर लगेगा क्या? ये सब में भी तो कलर लगेगा, ये सब में। तो यह बताइए कि इसका जो हमको एरिया निकालना होगा तो कितना एरिया निकालना होगा? तीन एरिया निकालना होगा, एक बाहर से, एक इसके अंदर से, और एक ये इसका, इसको बलय ऐसे कहते हैं, इसका निकालना होगा। तो आइए तीनों को निकालते हैं, और तीनों को निकाल के आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आइए पार्ट वन में, तो पार्ट वन में पहले आइए बात करते हैं बाहर का। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए, तो गोला का आधा, गोला का होता है 4πr², तो उसका आधा 2πr², तो 2πr। आर का मान बोलिए, हम अभी बाहर से निकाल रहे हैं, तो बाहर से आर यह हो जाएगा r+d। ये हो गया पार्ट वन। चलिए अब आ जाइए पार्ट टू की बात करिए। पार्ट टू में हम इसके अंदर कटोरा है, कटोरा खाली है, इसके अंदर का निकालते हैं। तो अंदर का रेडियस कितना है? आर। तो ये हो गया 2π, 2πr². अब आइए थर्ड पार्ट में, पार्ट थर्ड में। अब थर्ड पार्ट में हम इसका निकाल रहे हैं, ये जो पीला पीला आप देख रहे हैं इसका हम निकाल रहे हैं। तो इसका एरिया कैसे निकालिएगा? तो ऊपर में क्या बना हुआ है? सर्किल, दो सर्किल है, एक बड़ा सर्किल एक छोटा सर्किल। तो बड़ा सर्किल के एरिया में से छोटा सर्किल का एरिया घटाना पड़ेगा। तो बड़ा सर्किल का एरिया आपको हो गया, एरिया सर्किल का एरिया हो गया πr², तो पाई हो गया कॉमन। अब बड़ा वाला का हो जाएगा r+d का होल स्क्वायर, और छोटा वाला का कितना स्क्वायर? r² अब यही तीनों को जोड़िए, ये जोड़ने पर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसका हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए इससे इसमें गुना करिए, तो कितना हो जाएगा? 2, पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना, 2π। अब ये हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर, तो r² + d² + 2rd। चलिए ये तो जैसा है वैसा रहेगा, 2πr². अगला का फिर हो जाएगा कितना? ये r+d के होल स्क्वायर में r² घटाएगा, तो r² कैंसिल, ये हो जाएगा 2rd + d². चलिए फिर से पाई ले लेते हैं कॉमन, r² कैंसिल, ये होगा 2rd + d², इतना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आइए, तो इससे इसमें गुना करिएगा, तो 2πr², इससे इसमें गुना करिएगा 2πd², इससे इसमें गुना करिएगा, ये हो जाएगा 4πrd, 2πr², इससे इसमें गुना करिएगा 2πrd + πd². चलिए अब इसको छोटा करिए, जो सेम हो उसमें कुछ कॉमन लिया जाए, छोटा किया जाए। अब इसको देखिए तो कुछ छोटा होने वाला है। चलिए 2πr², 2πr² यहाँ पर है, यही हो जाएगा कितना? 4πr² जुड़ करके। चलिए 2πd², डी स्क्वायर है पाई डी स्क्वायर, और 2πd² कितना हो जाएगा? 3πd². चलिए ये देखिए rd वाला टर्म यहाँ पर है, 2πrd, 4πrd, तो ये कितना हो जाएगा? 6πrd। अब बताइए इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है? पाई कॉमन ले सकते हैं। चलिए इसमें पाई ले लीजिए कॉमन, तो क्या बच जाएगा पाई कॉमन लेने के बाद? ये हो गया 4r² + 3d
प्लस बोलिए, 6RD, 6RD, डी स्क्वायर कहाँ गया, यहाँ डी स्क्वायर ना, आइए कितना हो जाएगा 6RD। अब जरा ऑप्शन मिलाया जाए तो आइए ऑप्शन में पाई कॉमन, पहला हम लोग का क्या आया है 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर जगह। पहले तो पाई कॉमन ले ली, इसमें तो पाई है ही नहीं, दोनों तो छोड़िए ना, 4R स्क्वायर, उसके बाद 3D स्क्वायर, 3D स्क्वायर आंसर हो गया एक नंबर, उसके बाद 6RD, तो यही आपका आंसर हो गया। तो बोले ही थे कि आज का क्वेश्चन 5 ही है लेकिन टाइम लग जाएगा उसमें। अब देखिए दिया था इतना, लेकिन ऑप्शन इतना न टेढ़ा मेढ़ा है, जाहिर है कि संपूर्ण प्रश्न निकालना है तो 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को जोड़ना है, फिर थोड़ा कैलकुलेशन भी करना है। तो आपका आंसर हो गया कितना नंबर, एक नंबर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक समकोणीय पिरामिड, अब बताइए पिरामिड समझते हैं, चलिए तो आप जानिए थोड़ा पिरामिड और प्रिज्म के बारे में। इसका फोन आ रहा है, टोटल एरिया एक बार फिर से समझाइए। आपको क्या बोले शुरू में कि टोटल एरिया का मतलब है इसको कलर में डुबोइए, जहां जहां कलर लगेगा वो सारे का एरिया निकालिए, वही हो गया टोटल सरफेस एरिया। एक कटोरा को कलर में डुबोइएगा तो बाहर चारों तरफ कलर लगेगा, अंदर भी चारों तरफ कलर लगेगा, और कहां कलर लगेगा, तो और कलर लगेगा यहाँ पे, ये पार्ट पे, ये पार्ट। तो 3 पार्ट का हमको एरिया निकालना है, एक बाहर से चारों तरफ, एक अंदर से चारों तरफ, एक यह पार्ट का एरिया निकालना। तो आइए पहला एरिया ये कहाँ से निकाला गया, बाहर से, ये कहाँ से निकाला गया, अंदर, और ये किसका, ये पार्ट का, ब्लैक का। तो आइए अब शुरू करते हैं आगे, समझ लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है कि एक समकोणीय पिरामिड है जिसका आधार 16 इकाई विकर्ण वाला एक वर्ग है, कहता है कि इसका तिर्यक भुजा 17 इकाई है, तो इसके ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई ज्ञात करिए, इसका हाइट आपको निकालना है। तो आइए सबसे पहले अब पिरामिड के बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो पहले पिरामिड और प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद आपको तुरंत ये क्वेश्चन भी बताते हैं।
चलिए तो सबसे पहले यह समझ लीजिए, सबसे पहले यह समझिए पिरामिड के बारे में। पहले समझिए पिरामिड क्या है। तो ये जो शंकु देख रहे हैं यह भी एक पिरामिड है। तो वो सारे फिगर को पिरामिड कहते हैं जिसमें नीचे में आधार होता है लेकिन ऊपर आधार नहीं होता है। उसका सारा जा करके ऊपर में पार्ट क्या होता है, मिल जाता है। जैसे इसका देखिए, नीचे में बेस है लेकिन ऊपर में कोई बेस नहीं है। यहाँ नीचे में बेस है लेकिन इसका ऊपर में कोई बेस है, ऊपर में कोई बेस नहीं है, तो यह भी एक पिरामिड है। यहाँ देखिए, इसका नीचे में बेस है, इसका जो यह बेस है वो कौन आकार का है? चलिए देखिए, यहाँ पर रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा सा कलर बदलना पड़ेगा। यहाँ देखिए, इस फिगर में नीचे में बेस है, तो नीचे में बेस जो है चतुर्भुज है। वो आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, सम चतुर्भुज भी हो सकता है, समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, समलंब चतुर्भुज हो सकता है, जो हो सकता है। लेकिन नीचे में इसका बेस है, ऊपर में कोई बेस नहीं है, तो ऊपर जाके सब आपस में क्या हो गया है, मिल गया है, तो यह एक पिरामिड है। यहाँ देखिए, इसका बेस कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसका बेस कैसा है, त्रिभुजाकार है, लेकिन ऊपर में कोई बेस नहीं है। तो वैसा सारा फिगर जिसका एक तरफ बेस है लेकिन दूसरे तरफ कोई बेस नहीं है, तो वो सब को, उस सब को क्या कहते हैं, वो सबको पिरामिड कहते हैं। चलिए, मिस्र का पिरामिड देखे हैं ना, उसी से पहला पिरामिड का नाम आया पिरामिड। अब आइए इसके बाद की बात सुनिए। अब दूसरा बात आता है प्रिज्म। तो जितना भी आप फिगर देखते हैं हम लोग, वो सब आपका प्रिज्म है। जैसे देखिए, यह भी एक प्रिज्म है, घन घनाभ भी है, यह भी एक प्रिज्म है, ये सब आपका प्रिज्म है। ये जो देख रहे हैं यह आपका एक प्रिज्म है। प्रिज्म में क्या होता है कि नीचे ऊपर दोनों आधार होता है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों आधार है, और खासकर बराबर तरह का आधार होता है जनरली, वो सबके सब प्रिज्म कहलाता है। जैसे अगला फिगर है, ऐसे या भी आप, ये आपका प्रिज्म है, यह आपका प्रिज्म है। इस प्रिज्म में है क्या, तो नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर त्रिभुजाकार है, इसका आधार नीचे भी त्रिभुज है और ऊपर भी कैसा है, त्रिभुज है, यह एक प्रिज्म है। अब बाकी जैसा है उसके बारे में बाद में बात होगा, लेकिन नीचे भी आधार हो और ऊपर भी आधार हो, तो सबको प्रिज्म में रखा गया है। आ जिसका सिर्फ एक ही तरफ आधार हो उसको क्या चीज में रखा गया है, पिरामिड में रखा गया है। तो आपका घन है, घनाभ है, बेलन है, इस सब के सब प्रिज्म में काउंटिंग होता है। अब जैसे त्रिभुजाकार सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर है लेकिन त्रिभुजाकार टाइप का है। जैसे मान ली कि आपका क्या चीज़ है, ये आपका घनाभ है, ये घनाभ का बेस कैसा है, ये घनाभ का ये जो बेस है, ये बेस कैसा है घनाभ का, आयताकार चाहे वर्गाकार है, आयताकार है मान लिया जाए, लेकिन यही आयत नहीं हो जाए, यही क्या हो जाए, त्रिभुज है, त्रिभुज हो सकता है, हेक्सागोन खष्टभुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, लेकिन जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है, जैसा नीचे है वैसा ही क्या चीज़ है, ऊपर है। तो इस सबको क्या कहिएगा, प्रिज्म में आता है काउंटिंग। लेकिन ऊपर में जिसका कोई बेस ही नहीं है, सिर्फ एक ही तरफ बेस है, उसको क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। अब आइए पिरामिड के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। पहले आ जाइए, इसी से शुरू करते हैं। पहले पहले बात करिए वॉल्यूम का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं आपको वॉल्यूम का।
आप यदि शंकु का वॉल्यूम निकालना जानते हैं या क्लास में पढ़ते थे तो याद करिए, शंकु का जब वॉल्यूम बताते थे तो उसमें बताते थे ऐसे कि या कोई भी चीज़ का आयतन निकालना है तो आयतन का मेन फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। कोई भी चीज़ का आयतन निकालना है तो उसका मेन फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो ये ऐसे निकलेगा प्रिज्म का, लेकिन कोई भी चीज़ जब ऊपर जाके मिल जाए तो उसके लिए 3 से भाग दे दिया जाता है, एरिया इंटू हाइट। ये हो गया आयतन का जनरल फॉर्मूला कोई भी चीज़ के लिए, लेकिन जब ऊपर जाके मिल जाएगा तो उसके लिए 3 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। यही पिरामिड का वॉल्यूम हो गया। कोई भी पिरामिड का आयतन निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई या बटा क्या चीज, 3। ये बोलिए शंकु वाला में 3 से क्यों भाग देते हैं? शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, क्यों? इसलिए कि यह पिरामिड बना हुआ है। यदि यह नीचे से ऊपर तक पूरा बराबर जाता तो ये क्या कहलाता, यह होता बेलन। तो बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, लेकिन यही जो ऊपर जाके मिल जाता है पिरामिड आकार का ले लेता है, इसीलिए 3 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो सबसे पहले यह याद रखिए, चाहे कैसा भी पिरामिड हो, आयतन निकालना है तो कैसे, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई और 3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और मान लिया जाए कि इसका आयतन निकालना है तो ये सब क्या चीज है, प्रिज्म है। जैसा आधार नीचे है वैसा ही आधार ऊपर है, तो इस सब का आयतन निकालने में टेंशन नहीं है, इसमें 3 से भाग नहीं देना है। इसका आयतन सीधे हो गया एरिया इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आयतन निकल गया। अब आधार आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। इसका आधार कैसा है, त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आयतन निकल गया। लेकिन यही जब पिरामिड हो जाएगा तो सिर्फ क्या करना है, 3 से भाग दे देना है, बाकी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। लेकिन इसमें अभी समझना आपको बहुत है, थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं, लंबा चौड़ा कमेंट। चलिए पहले इसके बारे में समझिए, फिर इसके बारे में बताते हैं। कहाँ भाग गया, कॉपी का है नहीं हो रहा है, ये है कॉपी। अब पहले नाम सुनिए, इसमें किसका क्या क्या नाम है, पहले सबका नाम जान लीजिए। तो यहाँ देखिए एकदम बीचों बीच, ये मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए वर्ग मान लीजिए, वर्ग ये आयत है, पहले वर्ग ही मानिए। तो इसका जो आधार है वर्गाकार है, वर्ग का सारा भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए कि सारा भुजा इसका कितना कितना है, एक्स एक्स है। अब देखिए ये जो ये इसको ऊंचाई कहते हैं, यह आपका क्या चीज है, हाइट है। और यह जो हाइट जाता है एकदम सेंटर से, इसका जो आधार है बेस है उसके बीचों बीच से ऊपर की ओर जाएगा, यही पिरामिड का ऊंचाई है। जो रेड कलर वाला देख रहे हैं ये ऊंचाई है। अब सवाल उठता है कि इसका क्या नाम है, तो इसको कहते हैं हिंदी में किनारा, हिंदी में कहिए किनारा, और इंग्लिश में कहते हैं एज। लेकिन भाई एज तो है, किनारा तो है, लेकिन कैसा किनारा है, तो इसको कहते हैं लेटरल एज, स्लेंट एज भी कहा जाता है, ऐसे लेटरल एज कहा जाता है इसको। हिंदी कहा जाता है पसर्व किनारा। तो इसका नाम है आपको एज, याद रखिएगा इसका नाम है एज, कहीं लेटरल भी लिखा जाता है कहीं स्लैंट भी लिखा जाता है।
अब इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण बात और है कि इसमें हम लंब डाल रहे हैं, इसमें हम आपको लंब डाल रहे। रुकिए, एगो जरा नया कलर चुनने दीजिए। यहाँ देखिए, इससे इस पर लंब डाल रहे हैं, यहाँ लंब डाल रहे हैं, यहाँ भी लंब डाल रहे हैं। ये लंब आपको क्या चीज पर डाल रहे हैं, कॉर्नर में कि भुजा पर? भुजा पर, भुजा पर, ये भुजा पर, भुजा के बीच। सामने भी, यहाँ भी लंब डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ये वाला पीछे वाला पिक्चर ढक जाएगा, इसलिए नहीं डाल रहे हैं। तो ये जो लंब डाल रहे हैं, ये सब लंब है, ये जो लंब डाल रहे हैं, ये लंब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इसी का नाम है स्लैंट हाइट। इसका नाम है क्या चीज? स्लैंट हाइट। हिंदी में इसका नाम है तिर्यक ऊंचाई। तो फिर से सुनिए, पिरामिड में तीन बात यूज आएगा। एक हो गया हाइट, ऊंचाई, बीच वाला। एक हो गया एज, किनारा, इसको कहते हैं किनारा। और जो भुजा के बीचों बीच लंब डाला जाता है, एक आपको भुजा पर लंब डाला जाता है, उसका नाम है स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालिएगा और किनारा कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, यह बात न समझिएगा तो फिर आगे नहीं समझ पाइएगा। देखिए, एक बार हम इसके विकर्ण को मिला रहे हैं, एक बार हम इसके विकर्ण को मिला रहे हैं, तो देखिए यह विकर्ण जो है किससे मिला, ये जो विकर्ण मिल रहा है वो किनारा से मिल रहा है कि हाइट स्लैंट हाइट से मिल रहा है? ये पीला वाला देखिए, पीला वाला किससे जाके मिला? ये आपको स्लैंट एज से मिला। ये आपको किससे मिला? एज से मिला। इसको क्या कहते हैं? एज। ये मिला इससे मिला, इसका नाम क्या चीज है? कोना पर है तो इसका नाम है किनारा, ये भुजा के बीच में है तो इसका नाम क्या चीज है? स्लैंट हाइट। यह भी हाइट है, यह भी हाइट है, ये आपका मेन हाइट है, इसको वर्टिकल हाइट कहिए चाहे मेन हाइट कहिए, आई इसका नाम क्या चीज है? स्लैंट हाइट। तो ये जो एज है वो एज, अब बोलिए ये जो पीला वाला जो लाइन खींचे हैं, ये वर्ग का क्या कहलाएगा? फिर से सुनिए, जो रिकॉर्डिंग नहीं करते, कब्बे से रुकल है, उसी समय से रुकल है, शुरू से। चलिए, ऑफलाइन हो रहे हैं, कल है पढ़ाएंगे, हम तो पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, वीडियो में रुक कर।